हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरे साथ इस वक्त बिहार के चुनाव प्रभारी बने बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से खास बातचीत करने के लिए। सर, हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं कि मुंबई या महाराष्ट्र लोग बिहार से जाते हैं कमाने के लिए। आप महाराष्ट्र से बिहार आए हैं पार्टी के लिए, विजय कमाने के लिए। 5 दिन का आपका दौरा कैसा रहा? देखिए, दौरा बहुत अच्छा रहा। बिहार में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का मन लगभग बना हुआ है। बिहार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिखाई पड़ता है और विशेष रूप से जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े, जो मार्जिनलाइज्ड है, ऐसे सेक्शंस को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी यही हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर जो नीतीश जी की सरकार चली है उस सरकार ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। देखिए, चाहे बाढ़ का समय हो, चाहे यहाँ पर जो माइग्रेंट लेबर आए उनका समय हो, सभी को पूरे तरीके से मदद करने का काम, आज उनके अकाउंट में पैसा देने का काम यहाँ की सरकार ने किया है, उनको अलग अलग रिलीफ कैंप्स में रखने का काम किया है। और विशेष रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की लड़ाई भी जिस प्रकार से इस सरकार ने लड़ी है, आज 90% रिकवरी रेट, देश में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट आज बिहार का हुआ है और बिहार टेस्टिंग भी बहुत कर रहा है। करीब करीब 1.5 लाख का टेस्टिंग प्रतिदिन बिहार में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए जो जनता है वो बिल्कुल फिर एक बार हमारी सरकार को चुनकर देगी। अपने बयान में आपने नीतीश कुमार का भी नाम लिया, पीएम मोदी का भी नाम लिया। सवाल ये है कि बिहार चुनाव एनडीए किसके चेहरे पर लड़ रही है, मोदी के चेहरे पर या नीतीश कुमार के चेहरे पर? देखिए, मोदी जी तो हमारे शीर्षस्थ नेता है तो मोदी जी का तो चेहरा रहेगा ही, किंतु ये चुनाव जो है बिहार में हमारा गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहा है। नीतीश जी और स्वयं पीएम साहब ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी ये क्लियरली बताया है कि बिहार का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो इसलिए हमारे शीर्षस्थ नेता मोदी जी है, बिहार चुनाव में हमारे गठबंधन के नेता नीतीश जी है और इसी के माध्यम से हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के आपने इससे पहले भी बयान दिया है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, फिर वो बिहार का बेटा बन जाता है, फिर देवेंद्र फडणवीस मुंबई से, महाराष्ट्र से बिहार आते हैं प्रभारी बनकर, और आप कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे पर बीजेपी तो चुनाव लड़ ही नहीं रही, ऐसा कैसे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी केवल मुझे इसलिए यहाँ भेजेगी कि सुशांत सिंह राजपूत इनकी वहां जो मौत हुई और देश में एक प्रकार से लोगों में उसके बारे में एक भावना बनी। मुझे तो जब सुशांत की मौत भी नहीं हुई थी उससे पहले से मुझे ये कह दिया गया था कि आपको बिहार देखना है, मैं तब से यहाँ पर वर्चुअली लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये दोनों का कोई संबंध नहीं है। और सुशांत सिंह राजपूत इनके नाम पर हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। दुनिया सच चाहती है, भारत सच चाहता है, सच के लिए हमारा आग्रह जरूर रहेगा। 15 साल में बिजली पानी बेसिक मुद्दा है जिसको लेकर के लगातार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया था। 15 साल में बिजली पानी के मुद्दे पर ही बीजेपी क्यों चुनाव लड़ रही है, क्यों नहीं बाकी मुद्दे जो है वो बनते हैं सामने, ये बेसिक मुद्दों पर ही चुनाव? नहीं, बेसिक मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन हम साथ साथ 15 सालों में बिजली सड़क पानी में क्या परिवर्तन हमने किया ये तो लोगों को बता ही रहे। अब उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का मुद्दा है जिसमें बिहार के किसानों के लिए, जिसमें बिहार के युवाओं के लिए, जिसमें बिहार के खेतिहर मजदूरों के लिए, सभी के लिए एक नई राह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है। तो मुद्दे तो ये सारे मुद्दे रहेंगे, बिजली सड़क पानी जो है ये मुद्दा जैसा 15 साल पहले था आज वैसा नहीं बचा है। आज इतने बड़े पैमाने पर यहाँ रास्तों का काम हुआ है। देखिए, एक जमाना था 2 घंटे बिजली आती थी, अब बिजली आती ही नहीं थी, अब ऐसी परिस्थिति नहीं है, गांव-गांव में बिजली पहुंची है, इस सरकार की देन है। आखिरी सवाल है मेरा, बिहार में 3 बार पेपर पर लिखना है कि अपराध के बारे में जिक्र करना है जो भी चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी क्या एबीपी न्यूज पर यह दावा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार शुरुआत से अपराध के खिलाफ रही है, क्या यह दावा कर सकती है कि किसी का भी अगर आपराधिक बैकग्राउंड है तो उसको टिकट नहीं देगी? देखिए, बीजेपी कभी भी आपराधिक बैकग्राउंड वालों को टिकट देती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यह प्रयास किया है कि हम लोग राजनीति को अपराधों से दूर रखें, हमारा प्रयास इस बार भी यही रहेगा। अपराधी किसी बैकग्राउंड, अमरेंद्र पांडे को भी इस बार टिकट नहीं मिलने? देखिए, मैं कोई यहाँ का, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ,
मैं कोई यहाँ का नेता नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ कौन व्यक्ति है, किसको टिकट मिलना है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। धीरे धीरे जानकारी होगी, उसके बाद ही ऐसे सवालों का जवाब दे पाऊंगा। और कंगना स्टार प्रचारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अपने बारे में जिक्र किया है, कई मुद्दों पर उन्होंने बातें की है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ ऋषि, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।